सर आपके लिए कहा जाता है कि आप बेशक राजनेता हैं लेकिन अंदर से अभी भी अफसर हैं। Okay. सच बात हम मान लें कि आप पूरी तरह नेता बन चुके हैं। ये देखिए, मुझे अपने बारे में कहना तो मुश्किल होगा, पर ये जरूर है कि मुझे कूटनीति में, डिप्लोमेसी में 41 साल मैंने गुजारा है, तो उसकी एक अनुशासन होती है। तो जिस तरीके से आदमी अपने आप को कंडक्ट करता है वो 41 साल के बाद उतना आसान भी नहीं है बदलना। तो मैं कहूँगा कहीं वो ज़रूर रहेगा मेरे साथ, पर राजनीति के जो नियम जो हैं कुछ अलग होते हैं, तो कहीं आधा मैं कहूँगा उसमें, उस क्षेत्र में तो आ गया हूँ, पर वो जो जो अपना पास जो होता है वो साथ ही रहता है। देखिए, आप एक बहुत शानदार डिप्लोमेट रहे हैं, आज डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा भाई। वो कोशिश करूंगा, आप, मैं आपको आश्वासन तो नहीं दे सकता। देखिए, ये जो पूरी जनता बैठी है, आपके सुपर सीनियर हैं, जेएनयू का ये क्राउड है, एक बार जोरदार फिर से तालियां हो जाएं, और जेएनयू के सभी स्टूडेंट्स हैं। सर, इस वक्त पूरी दुनिया में भारत की विदेश नीति, भारत का नाम काफी रोशन हो रहा है। जनता के बीच एक परसेप्शन है कि भारत की विदेशों में बड़ी गूंज मची है। आपने पहले की सरकारों में भी सर्व किया, तब और अब में आपको क्या फर्क दिखता है? मुझे देखिए, फर्क तो दिखाई देता है, फर्क इसके अलग अलग पहल हैं कि एक तो किसी भी देश की छवि जो है वो उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री पे निर्भर है। तो क्या होता है कि आज जो मोदी जी की जो खुद व्यक्तिगत छवि जो है वो एक किस्म से इंडिया का इमेज भी बन चुका है। भारत में जो जिस तरीके से, मान लीजिए हमने कोविड का सामना किया, या आज हम जिस स्केल पे जो पब्लिक सर्विस को हम बढ़ा चुके हैं, राशन देते हैं, घर देते हैं, बिजली का या पानी का कनेक्शन होता है, तो इसका भी फर्क होता है। चंद्रयान जाते हैं तो भारत की इमेज बनती है, या कोई बड़ी चुनौती हो, जैसे अब यूक्रेन में युद्ध हुआ, तो बहुत सारे देशों ने अपने विद्यार्थी या उनके जो भी नागरिक थे उनको राम भरोसे छोड़ दिया वहाँ। तो हम लोग जो हैं, हमने बहुत कोशिश की, 90 फ्लाइट चलाए, तो दुनिया ऐसी चीज़ें देखती हैं कि आज लीडरशिप कौन दे रहा है, कौन से डिबेट में कौन पोजीशन लेने के लिए तैयार है, कौन अगर बॉर्डर में कोई चुनौती हो कौन अड़ता है, कौन झुकता है। तो ये सब मैं कहूँगा इसकी एक कॉम्बिनेशन है। और जो विदेश मंत्री जो है वो उसको ये पूरे बिग पिक्चर का लाभ मिलता है कि जब मैं कहीं जाता हूँ तो खाली मैंने जयशंकर नहीं जाता ना, तो उसके साथ जो पूरे देश का इमेज वो साथ जाता है। और जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है, ज़रूर है कि विदेश मंत्री हूँ, पर मैं मोदी जी का विदेश मंत्री हूँ, उसमें भी एक बोनस मिलता है आपको। अब यहाँ पर मैं कांग्रेस का एक पर्सपेक्टिव रखूँगा, वो ये कहते हैं कि विदेश नीति पहले भी मजबूत थी, अब प्रचार ज़्यादा होता है। नहीं, प्रचार तो ज़रूर होता है, क्योंकि हम जो हैं पीपल सेंट्रिक लोग हैं, हमारी राजनीति जो है हम लोगों के पास बार बार जाते हैं, चुनाव के समय में खाली नहीं जाते। तो अगर विदेश नीति में कोई उपलब्धियाँ हैं तो हम जरूर पब्लिक के सामने तो रखेंगे, वो तो कॉमन सेंस। पर मैं नहीं कहता कि पहले जो हुआ सब बुरा हुआ, मैं इस विषय में बहुत बैलेंस्ड हूँ। कोई भी शासन, उनकी उपलब्धियाँ भी होंगी, उनकी कहीं कमियाँ भी होंगी, किस चुनौती में कभी कभी वो सफल भी होंगे, कभी असफल होंगे। तो मुझे लगता है कि हर दशक की एक किस्म से ऑडिट होनी चाहिए, या हर शासन की ऑडिट होनी चाहिए। और हमें इसमें बहुत, मैं कहूँगा बिना पॉलिटिक्स के थोड़ी, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ते हैं, जो बाद में जो इतिहास जो ऑडिट करती वो देखती है कि भाई इन्होंने क्या किया, इनके समय में क्या हुआ, उनके समय में क्या हुआ, कभी कुछ तुलना भी करती। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि 14 के पहले बहुत सारे ऐसे
विषय थे, जहाँ हमारी पोजीशन जो है इतनी साफ नहीं थी, इतनी स्पष्ट नहीं थी। कभी कभी हम थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा डरते भी थे अपनी बात रखने में। अभी जो हमारा जो आज इमेज बना है कि बड़े विषयों में एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ब्लैक मनी, ऐसे विषयों में या युद्ध के बारे में भी, जो आज जो हमारी जो रोल जो है दुनिया में, और जिस तरीके से दूसरे देश सलाह लेने आते हैं या उनको लगता है कि भाई आप हमारे साथ बैठे, वो उस समय नहीं था। एग्जांपल देना चाहेंगे आप कि 14 के पहले ऐसे कौन से इश्यूज थे जहां पर हम थोड़ा डरते भी थे, जैसा आपने अभी अभी कहा? सबसे बड़ा विषय तो आतंकवाद था। आतंक, आप देखिए, इतनी बड़ी घटना हुई, आक्रमण हुआ मुंबई में 26/11 पे, इतना बड़ा, माने इतने लोगों की मृत्यु हुई, पूरे शहर को उन्होंने बर्बाद कर दिया था उस समय। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जवाब क्या था, कुछ किया क्या, लाइन क्रॉस किया क्या? कुछ नहीं किया ना। तो आप देखिए कि आपको लगता है कि दुनिया इसको पहचानती नहीं क्या, कि आपके फाइनेंशियल कैपिटल में खुलेआम हमला हुआ है और उसके बाद आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं। तो आप तुलना करती है उरी के साथ, बालाकोट के साथ, और दोनों के मैसेज, उरी का था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को हम पार करेंगे, बालाकोट का था कि हम इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करेंगे। आपके टेन्योर में भारत की छवि हम देख रहे हैं विदेशों में बहुत निखर कर सामने आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की, मैं बात जेएनयू की कर रहा हूं, उसकी छवि को लेकर एक बहस है अभी भी। देखिए, बहस तो है, मैं जानता हूं, पर मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे मन में जो है, जो जब मैं जेएनयू की बात बारे में सोचता हूं, तो मुझे जो है, मैं खुद अपने समय की बात कर रहा हूं, और ये पॉलिटिकल पॉइंट नहीं है। जैसे अब मेरे साथ जो लोग पॉलिटिक्स में जो गए, देवी प्रसाद त्रिपाठी थे जो एनसीपी के लीडर थे, सीताराम येचुरी जो सीपीएम के अभी भी हैं, दिग्विजय सिंह जी थे जो जेडीयू के लीडर थे, तो उस समय जेएनयू में, क्योंकि जेएनयू की एक परंपरा है, एक कल्चर है एक किस्म से, कि डिबेट्स होती हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, इसमें अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, ये इसमें कोई, मैं तो इसको अच्छा ही मानता हूँ, पर उस कभी भी लोग जो हैं डिबेट तो करते थे, पर कुछ मर्यादा होती थी, कुछ सीमा होती थी, देश के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, हमारे सैनिकों को पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाता था। तो कभी कभी जैसे इसके जो कभी उदाहरण अगर मुझे सुनने को या देखने को मिलते हैं, तो ज़रूर दुख होता है, कि क्योंकि ये लोग जो भी ये करते हैं, मुझे पता कि ये बहुत छोटे सेक्शन होंगे, पर क्या होता है कि वो पूरे इंस्टीट्यूशन की छवि बिगाड़ देते हैं। ये जो बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन अच्छे बुरे हर विचारधारा के लोग हर संस्थान में होते हैं। बिल्कुल। जब जेएनयू पर राजनीति होती है तो उसको कह दिया जाता है कि वो अर्बन नक्सल का गढ़ है, ये दुख तो होता होगा आपको ये सब सोच? नहीं, देखिए क्या होता है कि लोगों के व्यवहार के कारण कभी कभी आप अपने ऊपर ये ऐसी जो आलोचना जो है आप इन्वाइट करते हैं। अगर लोग जो हैं जिम्मेदारी के साथ, संयम के साथ अपने आप को संभालें, तो ये सिचुएशन पे हम आएंगे नहीं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए, ये जेएनयू का दोष नहीं है, और ये नहीं कहिए कि जेएनयू में कुछ भी हो सकता है, बाकी लोग जेएनयू की प्रशंसा करते रहें, ये भी नहीं होगा। लोग जेएनयू को, पब्लिक जेएनयू को जरूर जज करेगी, क्यों नहीं करनी चाहिए, करेगी, पर मुझे अगर कहीं किसी की कमी दिखाई देती है, वो ऐसे लोग हैं जिनकी जो बिना जिम्मेदारी के जो ऐसी चीज़ें कहते हैं, देश के बारे में ऐसी चीज़ें कहते हैं, देश के जाने माने, देखिए आज जो देश में जो माहौल है, और मुझे लगता होना भी चाहिए, कोई भी आर्म फोर्सेस को अटैक करे, हमारे सैनिकों के बारे में कुछ कहे, तो उसका पब्लिक का रिएक्शन तो होगा होगा। ये आप पब्लिक को नहीं कहिए कि आप पब्लिक को राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति पब्लिक ने नहीं की, जिस आदमी ने वो इंजाम लगाया उसने की। लोग कहते हैं कि जो असली हैवी लिफ्टिंग होती है फॉरेन मिनिस्ट्री में, वो विदेश सचिव करता है,
तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो हैवी लिफ्टिंग विदेश मंत्री करता है, फॉरेन पॉलिसी की, या विदेश सचिव करता है? देखिए, जब मैं विदेश सचिव था, मेरे मंत्री जो हैं सुषमा जी थी, और हम लोगों की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी थी, कि केमिस्ट्री अच्छी थी, हम रोज़ बात करते थे, जो भी है कुछ भी इशू है मिलजुल के उस पर निर्णय लेते थे। मेरा मानना है कि कोई भी मंत्रालय, ये कॉम्बिनेशन, ये पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक जो फिट जो बैठता है, अगर ये ठीक बैठे तो वो मंत्रालय जो है अच्छा परफॉर्मर होगा। अगर उसमें कोई विवाद हो या कोई अलाइनमेंट ठीक नहीं हो तो मंत्रालय के लिए प्रॉब्लम होगा। तो मेरा जो एडवांटेज है कि क्योंकि मैं सचिव भी रह चुका हूँ, पूरी ज़िंदगी मेरी इसी मंत्रालय में बीती है, तो और ज़्यादातर ऑफिसर जो हैं कहीं ना कहीं मेरे साथ काम कर चुके हैं, कोई मेरी ट्रेनी थे, तो मेरे लिए एडवांटेज है। परंतु जब मैं मंत्री बना, मुझे ये भी सोचना था कि भाई अब मैं मंत्री बन चुका हूँ तो सचिव का काम जो है वो सचिव ही देखे। अब मैं सचिव नहीं हूँ तो सचिव को कितना स्पेस देना चाहिए, कितना फ्रीडम देना चाहिए, सचिव को हर समय लगना चाहिए कि देखिए अब ये मंत्री हैं, ये मेरे सुपर सचिव नहीं है। तो हम जो हैं, और मेरे साथ जैसे अभी जो सचिव हैं, मेरी इनकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी। मनीष सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी पहली बार मुलाकात कब हुई थी, और मेरे जब आप जी और जब आप विदेश सचिव से रिटायर हुए, फिर आप एक कॉरपोरेट में चले गए थे, तो कब आपको फोन आया कि अब आपको विदेश मंत्री बनना है, मतलब वो जॉब जो कि एज ए डिप्लोमेट आपके लिए सबसे सुटेबल था या आइडियल था? मेरी पहली मुलाकात तो 2011 में हुई थी। उस समय मैं चीन में राजदूत था, तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वो उस समय चीन आए, तो दो तीन दिन का दौरा था, तो उस समय हम पहली बार मिले। उसके बाद मेरा ऐसा कुछ कांटेक्ट नहीं था। फिर 14 में वो प्रधानमंत्री बने, बनने के बाद मैं उस समय अमेरिका में राजदूत था, तो मैं जो चुनाव मई में हुआ था, मैं जून में पहली बार आया, उस समय मिलने आए, और पहले 4-5 महीने तो आप जानते हैं कि 14 में वो उनका बहुत एक सफल अमेरिका में विजिट हुआ था, वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन वगैरह गए थे ओबामा के शासन पे। तो फिर 14 में हमारी डीलिंग ज़्यादातर 2-3 बार मैं आया हूँ। फिर 15 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुझे फॉरेन सेक्रेटरी बनाना चाहते थे। फिर 15 से 18 तक 3 साल मेरी टेन्योर थी। तो उस समय मैं कहूँगा कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब दौरे पे जाते हैं या कोई भी रोज का विषय होता है तो विदेश सचिव के साथ उनका काफ़ी डायरेक्टली डीलिंग होता है, तो मैं कहूँगा उस समय हम लोगों के एक किस्म से ज़्यादा नज़दीक आए। फिर मैं रिटायर हो गया, मैं कॉरपोरेट सेक्टर में चले गया। तो 19 के चुनाव के निर्णय के बाद, करीब एक हफ्ते बाद शपथ ग्रहण के, जैसे मुझे याद है 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि वो चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं और मंत्रिमंडल में शामिल हूं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद आप जानते हैं। अमेजिंग सर, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं उनको काफ़ी सम्मान की नज़र से देखा जाता है, बल्कि वो जहां पर भी हैं वहां पर भारत का नाम ही रोशन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखने को मिलती है कि हमारे जो मित्र देश हैं वो भारत के खिलाफ कभी कभी बयान देने शुरू कर दिए उन्होंने। ये अचानक हुआ या ये पहले भी होता था? इसका कुछ उदाहरण देंगे आप? जैसे अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हुए हैं, और ये भारत की कूटनीति की जीत है कि हमने रशिया को भी साथ के रखा और अमेरिका से भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भारत के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो था ज़ीनोफोबिक। ज़ीनोफोबिक सबको बता दूं एक बार, यानी विदेशियों के प्रति अत्यधिक नफरत या डर दिखाने वाला। क्या स्टैंड है भारत का? नहीं, देखिए हम सब अपने देश को तो जानते ना,
मैं नहीं कहता कि हमारे देश में कमी नहीं है, पर मुझे लगता है कि भारत के बारे में जो भी आप कहें, ज़िनोफोबिक कहने में कोई अर्थ ही नहीं मुझे दिखाई देता। कि हम अगर अपना इतिहास देखें कि हम तो इतने ओपन सोसाइटी हैं और हमारे यहाँ इतनी विविधता है और इसमें ये गर्व का विषय हमारे लिए, तो क्या होता है कभी कभी दुनिया में दूसरे देशों में और दूसरे देशों के नेताओं में कभी समझ की कभी कमी हो जाती है, हो जाता है, सब लोग परफेक्ट नहीं। तो हमारा जो फ़र्ज़ है कि जहाँ कोई किसी से गलती हो या किसी की गलत समझ हो, किसी को गलत फहमी हो, तो कैसे इनको समझाएं, इनको बताएं, यही तो डिप्लोमेसी होती है भाई। वेल सेड, वेल सेड। लेकिन जैसे सीए कानून है, सीए कानून के बाद एक परसेप्शन क्रिएट किया गया भारत के लिए और भारत की एक मुस्लिम विरोधी छवि बताने की कोशिश की गई, कई मुल्कों में इसका भारत की कूटनीति पर क्या असर पड़ता है? देखिए, यहाँ अगर कोई दोषी है तो मैं हमारे विपक्ष के दलों को मानता हूँ कि वो दोषी है। मैं बताऊँ क्यों। एक कि जो विषय जो है, सीए है क्या? सीए हमने इसीलिए पारित किया क्योंकि 1950 में नेहरू और पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच में समझौता हुआ। समझौता ये था कि आप अपने माइनॉरिटी को संभालिए, उनको यहीं रखिए, हम भी करेंगे। अब हमने जो है इस आश्वासन का पूरा पालन किया, उन लोगों ने नहीं किया। तो हमारे अगल बगल के देश से अगर आप पिछले 70 साल से देखेंगे, माइनॉरिटीज़ की स्थिति जो है ये बिगड़ती गई है और वो लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। उनमें से बहुत लोग जो हैं भारत आकर उन्होंने शरण लिया। अब मुझे ये समझाइए, भारत सरकार ने उनके देखभाल के लिए एक अग्रीमेंट की थी उस समय, ठीक, वो पंडित नेहरू की समझ थी। अब अगर उस अग्रीमेंट का पालन नहीं हुआ, उसके कारण इनको इतना परेशान किया गया, लोग माने कुछ लोगों की जान ली गई, उनके साथ ऐसे अत्याचार हुए, बलात्कार हुआ, अगर ऐसे लोग जो हैं अगर वो भारत नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे ये लोग, क्योंकि हैं ये या तो, और ये इनके साथ हुआ क्यों? धर्म के कारण, कि कोई सिख था, कोई हिंदू था, कोई बुद्धिस्ट था। तो अगर धर्म के कारण उनको इतना सहना पड़ा और उनको कहीं ना कहीं शरण लेने की जगह ढूंढनी पड़ी, ये मुझे बताइए भारत के अलावा और वो कहाँ जा सकते? तो उनका यहाँ आना मैं तो मानता हूँ ये हमारा कर्तव्य है। नाउ हमारे यहाँ पीपल प्लेड इट अप बिकॉज यहाँ तो वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता है। तो इट वॉज, अरे भाई आपने उनका नाम नहीं लिया, देखिए आप बड़े कम्युनल हैं, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि बाहर जाकर इतने हमारे देश के बारे में इतनी गलत खबर फैलाई, अब दुनिया जो है वो भी उनको भी गुमराह किया उन्होंने। तो मुझे जो है जो कूटनीति में मुझे उनको जाकर समझाना पड़ा। मैं आपसे दो छोटे सवाल कर रहा हूं। एक तो ये, आपने जो कहा कि आप एक अनुशासित प्रोफेशन से एक ऐसे प्रोफेशन में आए हैं जो जिसकी पहली रिक्वायरमेंट ही अनुशासनहीनता है, तो इन दोनों में मेल आ ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं। दूसरा सवाल, एक मेरा तो ऐसे लाइट था, दूसरा मेरा ये कहना है कि मैं आपको आज का, चूंकि ऐसा मौका है कि देश में चुनाव होने जा रहा है, 2/3 हो चुका है, बाकी है, और आप भी एक स्टार प्रचारकों में रहे हैं, आप जा रहे हैं, मैं एक जो संभावना व्यक्त की जा रही है उससे उलट मैं एक सवाल कर रहा हूं कि मान लीजिए ये लोकतंत्र है और कल को इस देश में NDA की सरकार नहीं बनती है, एक मिलीजुली सरकार आती है, तो आपको क्या लगता है कि विदेश नीति पर जो भी है मौजूदा, ये ठहराव या बीच का, चाहे वो 1 साल चले, 2 साल चले या 5 साल कंप्लीट करे, तो कितनी गुंजाइश बनती है? एक जो होता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज, मतलब नीतियों की निरंतरता, उसको मोड़ने की कितनी आशंका है और कितना नुकसान या कितना ठहराव हमारे वर्तमान में, और मैं सिर्फ विदेश नीति की बात नहीं कर रहा हूँ,
जैसे आप सब जान रहे हैं कि सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, आपको जो लगता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी आर स्ट्रांग डजेंट मैटर हु इज सीईओ, मतलब नेता कौन है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे सिस्टम के ये सारी चीज़ें स्ट्रांग हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जी। देखिए आपके प्रश्न में मैं दो चीज़ तो बिल्कुल नहीं मानता। एक, मैं नहीं मानता कि परिस्थिति कुछ और हो सकती है, मुझे पता है कि परिणाम क्या होगा जून 4 को, ये मैं नहीं मानता। पर जैसे आपने कहा हाइपोथेटिकली, चलिए आप होगा नहीं पर तब भी आप स्पेकुलेट करिए। दूसरा विषय जो आपका है कि फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, देश का नेता कौन होगा, देश की सरकार क्या होगी, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे लगता है और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ बहुत फ़र्क पड़ता है, और मैं आपको समझाता हूँ क्यों। मैंने शुरू किया था जब आपने कहा कि पहले और आज के सिचुएशन में क्या फ़र्क है। मान लीजिए कि मोदी जी नहीं होते, भाजपा NDA की सरकार नहीं होती, आज आप ही लोग सोचिए पाकिस्तान जो है आतंकवाद के विषय में आज क्या करता होगा, और मोदी जी अगर नहीं होंगे कल पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि उनकी आदत है, उनके यहाँ अभी भी वो व्यवस्था है, उनके वो अभी भी लोग ट्रेनिंग में उनके मने तैयार हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके यहाँ वो उरी और बालाकोट का सबक जो है अभी भी याद है। अगर उनको लगता है कि भारत में ऐसी सरकार आए जिसकी सोच जो है आतंकवाद के बारे में और पाकिस्तान के बारे में अलग हो, तो पाकिस्तान का व्यवहार बदल जाएगा ना, तुरंत बदल जाएगा। अब मैं दूसरे अकाउंट पे आता हूँ, आप चाइना को देखिए। अब आप जानते हैं कि आजकल सीमा में चाइना ने बहुत कोशिश की है पिछले 4 साल में दबाव डालने की। तो आज स्थिति क्या है, जैसे चाइना ने अपने फोर्सेस मूव किए थे मई 2020 में, कोविड होने के बावजूद उस समय मोदी सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में हमारी आर्मी को डिप्लॉय की थी हथियारों के साथ, माने इतनी बड़ी संख्या में, युद्ध में भी 62 में भी मेरे ख्याल से उतने लोग नहीं गए होंगे जो आजकल सीमा में। अब चाइना को पता है कि अब ये मोदी सरकार की नीति है कि जब तक चाइना दबाव डालते रहेगा हम लोग भी वहीं खड़े रहते रहेंगे, कोई हटेगा नहीं वहाँ से, और उनको कहीं ना कहीं समझौता करना होगा। पर अगर आपके यहाँ ऐसी सरकार आए जो छुपके छुपके डील करती, तो वो तो कहेंगे भाई वो तो दिखाने के लिए डील तो कहीं और होगा। अब ऐसी सरकार आ सकती है क्या? आप ये याद रखिए, जब डोकलाम में हम लोग आमने सामने खड़े थे, एक विपक्ष के नेता जो है सीक्रेट में चाइनीज एम्बेसडर के साथ मिल रहे थे, गलती से बात बाहर आ गई। तो आप चाइना को भी देखिए ना, उनको लगेगा, क्योंकि वो तो उस समय की याद रखेंगे जहां पहले की सरकार ने कहा चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, आप ही बताइए मुझे, अगर कोई भी देश दूसरे देश के जमीन पे अगर उनका क्लेम होता है, वो आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे हो सकते हैं? पर तब भी हमने 2006 में तय किया था कि अरे वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमने सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज में जैसे टेलीकॉम में उनको आने दिया उस समय। तो ये जो लोगों के मन में है कि भाई फंडामेंटल्स, सब चीज़ फंडामेंटल्स ही है, लीडरशिप एक किस्म से एक ऑप्शन है, और लीडरशिप हो ना हो दुनिया जो है ऑटो पायलट में चलती जाएगी, देश ऑटो पायलट पर नहीं चलता। देश एक गाड़ी होती है जिसमें आपको बहुत अनुभवी ड्राइवर चाहिए, विश्वसनीय ड्राइवर चाहिए। और मैं आपको और भी देख सकता हूँ, इसराइल के साथ आपको लगता है क्या, न्यूक्लियर पे देखिए, आज ये इंडी अलायंस में कुछ ऐसी पार्टी हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ, कुछ कहते हैं कि हमें POK पे कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमें इसराइल के साथ रिश्ते नहीं रखने चाहिए, कुछ कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ ज़्यादा डीलिंग नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये शुरू से ये आइडिया कि फॉरेन पॉलिसी और नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिसी ऑटो पायलट पर चलती है, मैं तो इसको नहीं मानता। सर, आपने चीन का जिक्र किया, मैं एक डायरेक्ट सवाल सब लोग जानना चाहते हैं, क्या चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया है?
किया था 62 में और 62 के पहले। सचमुच अभी नहीं। देखिए मैं दो चीज़ें आपको बताऊं। एक जो आपका प्रश्न है, चीन ने भारत के ज़मीन पे कब्जा किया है या नहीं, इसका उत्तर है कि 1957-58 के बाद 1962 तक चीन ने कब्जा किया है और ये करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन है। ये ज़्यादातर लद्दाख और कश्मीर में है और थोड़ा बहुत अरुणाचल में है। अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं पिछले 5-4 साल में क्या हुआ बॉर्डर में, माने बॉर्डर एरिया में क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें भी एक किस्म से पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है क्योंकि ये सीमा जो है औपचारिक स्तर पर ये तय नहीं हुआ। अब ये एक सर्वसम्मति से एक लकीर नहीं है क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जो हमको लगता है कि लाइन ऐसे जाता, वो लोग कहते हैं कि नहीं लाइन वैसे जाता, तो कुछ में है कुछ में नहीं। पर 2020 में तक दोनों साइड में आम तौर पे फौज की डिप्लॉयमेंट जो है वो LAC के नज़दीक या LAC के ऊपर नहीं थी। फौज जो है अंदर रहती थी, अपनी सबकी बेस, अपनी कैंप या कोई बेस होती थी वहाँ से, और कभी कभी ये बेस जो है 15-20 किलोमीटर दूर होते थे तो वहाँ से वो LAC की तरफ पेट्रोल करते थे। 2020 मई में चाइना ने दबाव डालने की कोशिश की और बहुत बड़ी संख्या में वो अपने सोल्जर्स वहाँ लाए और ये जो हमारे इस पर 4-5 अग्रीमेंट्स थे उनका उल्लंघन किया और उसके कारण इनको लाए। क्योंकि वो इतनी बड़ी संख्या में लाए, हम लोगों ने भी काउंटर डिप्लॉयमेंट किया। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं आज स्थिति क्या है, हम भी अपने नॉर्मल डिप्लॉयमेंट से आगे हैं, वो भी अपने नॉर्मल डिप्लॉयमेंट से आगे हैं। और पिछले 3 साल से जो नेगोशिएशन जो चल रहा, बातचीत जो चल रही, ये है कि ये फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट अगल बगल में, क्योंकि हथियार भी हैं और एक शक का माहौल। ये जो बातचीत है, ये डिसएंगेजमेंट की जो बातचीत है, ये इसलिए चल रही है ना कि कब्जा उन्होंने कर लिया उसके लिए? नहीं, डिसएंगेजमेंट की है कि आप देखिए, आप इतने आगे आए हैं, हम इतने आगे आए हैं, हम अपने बेस में तभी जाएंगे जब आप अपने बेस में जाएंगे। और अगर कभी कभी ये भी होता है कि हम उन पे शक करते हैं, हो सकता है वो हम पे करें, तो कभी कभी हम ये भी समझौता करते हैं कि उस एरिया में पेट्रोलिंग अभी के लिए हम बंद करें, बाकी आगे। और ये भी कोई नई बात नहीं, माने अगर आप चाइना बॉर्डर में देखेंगे 1958 में पहली बार उत्तराखंड में बाराहोटी नाम का जगह है, पहला जो हमारा फेस बड़ा कॉन्फ्रेंटेशन हुआ था चाइना के साथ वहाँ हुआ था, बाराहोटी में हुआ था, अक्साचिन में नहीं हुआ था। और उसका सोल्यूशन निकला कि एक जोन बनाया गया कि वो भी ना आए और हम भी ना आए। यही चीज़ नेहरू ने किया है, राजीव गांधी ने किया है, शरद पवार जब डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ऐसा ही किया था वहाँ अरुणाचल प्रदेश में, पिछले सरकार ने किया, मैं राजदू था दबसांग में किया, कि जहाँ भी हम दोनों आगे आ जाते हैं नेगोशिएशन के बाद ये समझौता होता है कि भाई आप अपने बेस में जाओ, हम अपने बेस में जाएंगे और बीच का कुछ सोल्यूशन निकालेंगे हम। क्योंकि ये सवाल हम कई लोगों से पूछते हैं और खासकर विपक्ष के नेताओं का अक्सर ये स्टेटमेंट होता है, ये अक्सर कहा जाता है कि डिसएंगेजमेंट को लेकर आपने क्लैरिटी दे दी उस पर कि ये हो रहा है इसलिए क्योंकि कब्जा कर लिया। गलवान की ट्रू पिक्चर क्या, क्या हुआ था गलवान में, ये एग्जैक्ट पिक्चर क्या है सर? देखिए, गलवान में ये हुआ था कि LAC जो है वो गलवान घाटी के थ्रू जाती, तो वही हुआ था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आगे आए थे, उसके कारण हम आगे आए थे। और उस समय हम लोगों ने उनको बार बार समझाने की कोशिश की कि भाई ये ऐसी स्थिति है, बहुत नाजुक स्थिति है, कहीं कुछ हो जाए तुम उसके बाद पता नहीं हिंसा की दिशा किस लेवल तक जा सकती। हमारे चेतावनी के बावजूद ये, माने क्योंकि सिचुएशन था, क्योंकि वो आए हमको भी होना था वहाँ, और एक रात को माने जो दोनों यूनिट्स जो थे उनके बीच में कुछ विवाद हो गया और विवाद जो है वो हिंसा की तरह चले गया और इसमें लोगों की मृत्यु हुई। माँ
तो और जो फाइनली जो जो समझौता जो निकला, क्योंकि उसके बाद नेगोशिएशन हुआ था, हमारे मिलिट्री कमांडर्स जो हैं वो मिलजुल के उन्होंने तय किया कि वो लोग भी अपने कैंप में जाएंगे, हम लोग भी अपने कैंप में जाएंगे, और एग्जैक्ट एरिया जहां उस समय वो मारपीट हुई थी और लोगों की मृत्यु हुई थी, वहां अभी के लिए कोई नहीं जाएगा। लेकिन अभी चाहे वो राहुल गांधी हों या ओवैसी साहब, उनका अभी अभी हम लोगों ने इंटरव्यू किया, वे मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत की ज़मीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। उनका ये लाइन है कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। मैं एक चीज़ बताऊँ आपका, क्योंकि ये फिर आप समझेंगे कि आप कहते हैं ना कि आप कूटनीति से राजनीति कैसे आए, एक फ़र्क है। राजनीति में और चालाकी करनी होती है, इतनी सीधी सीधी आप कहेंगे डिप्लोमेट्स का, वैसे वो भी लोग सोचते हैं कि हर चीज़ नहीं बताते, पर जो मैं देख रहा हूँ जो पॉलिटिक्स जो हो रहा है, मैं इसके तीन आपको उदाहरण देता हूँ। कुछ समय पहले यही लोग जिनका आपने नाम लिया है, यही लोग कह रहे थे, हाँ नहीं भाई मैं मेरा कुछ स्टैंडर्ड है नाम लेने का। तो ये जो इन्होंने फैलाया था कि भारत के ज़मीन में इन्होंने एक मॉडल, चाइना ने एक मॉडल विलेज बसाया है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा राइट। अगर आप गूगल में जाकर देखेंगे, और देखिए ज़रूर, मैं सबको निमंत्रित करता हूँ, आप देखेंगे कि ये सबसे पहले जिसका जिक्र किया था उन्होंने, वो मॉडल विलेज जो है वो एक लोंगजू नाम का जगह है, और लोंगजू जो है चाइना ने 1959 में कब्जा किया था, और ये जयशंकर नहीं कह रहा, ये पंडित नेहरू कह रहे हैं संसद में, भारत के संसद में, कि आज जो है मैं बड़े दुख के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो हैं लोंगजू से हटाए गए, चाइना ने ले लिया लोंगजू में, उन्होंने मॉडल विलेज बनाए और भी बनाए, पर ऐसी जगह बनाए बॉर्डर में जो 62 के पहले उन्होंने कब्जा किया था। फिर ये हम पे आरोप लगाया गया कि क्योंकि लद्दाख में तनाव है आजकल, कि अरे वहाँ रोड बन रहा है और एक पुल बन रहा है और आप इसको रोक नहीं पा रहे। आप जाकर देखिए पुल कहाँ बन रहा है, पुल वहाँ बन रहा है जहाँ चाइना जो है पहली बार 1958 में आया, और 1962 के बाद चाइना का कंट्रोल है उस एरिया पे। हाल ही में ये उनके कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये तो इतने लापरवाह हैं कि चाइना एक रोड बना रहा है जो सियाचेन ग्लेशियर की तरफ आ रहा है, और देखिए वहाँ भी खतरा हो सकता है। आप वो एक सैटेलाइट तस्वीर भी दिखाते हैं, हाँ, सियाचेन के पास पक्की सड़क बन रही है। अच्छा, करेक्ट, आपने भी देखा। हाँ। आपको ये बताते हैं कि वो ज़मीन जो है 1963 में जुल्फिकार अली भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने वो ज़मीन जो है चाइना को दी, और पाकिस्तान के हाथ में कैसे आए, 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने उनको पीओके, क्योंकि वो पीओके का एक हिस्सा था तो वो तोहफा दे दिया उनको। तो आप ये सोचिए, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे जो रोड जिसकी आप कर रहे हैं, आपने ये न्यूज़ रिपोर्ट देखा, शुरुआत हुई नेहरू के साथ, पीओके बना, उन्होंने पीओके के ज़मीन चाइना को दे दी, भुट्टो ने दिया, बात 49 और 63 की, आरोप आप नरेंद्र मोदी पे लगा रहे हैं। तो ये है पॉलिटिक्स। अच्छा, वो दो नाम जिनको आपने नहीं लिया, ओवैसी जी और राहुल जी, उनका ये कहना है कि हम तो जाना चाहते हैं, हमें दिखा दें कि कोई कब्जा नहीं किया। भाई ऐसे सरकार ऐसे थोड़ी चलती, सिक्योरिटी ऐसी थोड़ी चलती है, उनके समय में ले जाते थे क्या लोगों को? वो कहते हैं एक डेलीगेशन भेजा जाए, तो नेहरू जी ले गए डेलीगेशन। ओके, संदीप। जयशंकर जी, मेरा एक सवाल है, जम्मू एंड कश्मीर के एक हिस्से पे चाइना का कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा दूसरे हिस्से पे है। आज जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, क्या आपको लगता है कि जो JNK की रेजोल्यूशन है, द रोड टू रिजॉल्विंग द JNK क्राइसिस पासिस थ्रू बीजिंग, चाइना CPAC के वजह से और जो आपने कहा ट्रूप डिप्लॉयमेंट के वजह से अब एक पार्टी बन चुकी है जम्मू एंड कश्मीर प्रॉब्लम में? व्हाट इज टुडे हैपनिंग इन POK, आई मीन फर्स्ट वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट POK
has been, is and will be part of India, and there should be no doubt in anybody's mind. It's also a parliament resolution. Okay, all parties of India are agreed to do this. But some parties forget as soon as they pass resolution. Some parties remember. Okay, what has happened, agar aap dekhen, ye 1990s, mid-90s mein hua tha. So it is 30 years since then. Why after 30 years are all of you even talking about POK? Because for 30 years you have not talked about POK. I'm not blaming you. I'm just saying it's the reality. You are talking about POK in this country today for two reasons. Because by abrogating Article 370, हम लोगों ने जो है सबको एक किस्म से कोई एक होप दिया है, आशा दी है कि सबको प्रोत्साहित किया है कि योर फ्यूचर कैन बी बेटर, इट इज पॉसिबल. ये उनकी आज अपेक्षा है दैट माई लाइफ विल गेट बेटर. एंड जो पीओके वाले जो हैं, दे आर सीइंग द इम्प्रूवमेंट्स इन द वैली, दे आर सीइंग द प्रोग्रेस, दे आर सीइंग द इकोनॉमिक ग्रोथ. तो उनको जो जरूर चुपता होगा कि भाई वाई आर वी कॉट अप यू नो अंडर द रूल ऑफ दिस आर्मी एंड दिस कंट्री एंड यू नो वाई आर दिस पीपल ऑक्यूपाइंग अस. सो समवेयर आई फील बिटवीन आवर शोइंग द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर 370, इट इज़ हैविंग सम इम्पैक्ट कंपेरेटिव. बिकॉज आप भी अगर किसी भी इलाके में होंगे, यू आर इन वन हॉस्टल, यू सी अदर हॉस्टल इज डूइंग वेरी वेल, यू विल गो टू वार्डन एंड कंप्लेन and say, you know, why am I? So this is one issue. Second issue, I think, is that in our own sort of setup today, we have all within politics, we have actually started realizing that mistakes were made in the past. Continuation of 370 was a mistake. Allowing POK was a mistake. So today this country is getting into the thinking. That is why जो आपका सवाल था, क्या फर्क पड़ता है लीडर हो या लीडर हो, विचारधारा ठीक हो, देश में आत्मविश्वास हो, पीपल स्टार्ट करेक्टिंग दर मिस्टेक्स एंड टू सम एक्सटेंट दैट इज ऑल्सो टूडे शेपिंग द डिबेट. मनीष चीन पर कुछ पूछा सर, चूंकि आप संयोग से हैं और आपसे बेहतर कौन चीन के बारे में बता भी सकता हम लोगों को. नेहरू जी के टाइम में जो चीन की पॉलिसी थी वो तो हमने देखा, 62 की लड़ाई हुई, पूरे देश ने यह तय कर लिया अब कोई हिंदी चीनी भाई भाई नहीं होगा. लेकिन आपके कार्यकाल में या प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 2014 से 2020 के बीच, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो बायलेटरल और मल्टीलेटरल प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच करीब 17-18 बार मुलाकात होती है. 2019 में प्रधानमंत्री मोदी रूस में ये कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि चीन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारे रिलेशन ऐसे हैं कि 40 साल से हमारी सीमा पर एक गोली भी नहीं चली. तो फिर आखिरकार मई 2020 में ऐसा क्या हुआ, चाइना ने ऐसा क्यों किया, इसको हम लोग समझना चाहते हैं. देखिए, मुझे लगता है कि इसके अलग अलग, क्योंकि जानते हैं तो वही लोग जानते हैं, हम तो अनुमान लगा सकते हैं. एक तो जो चीन को स्टडी करते हैं, जो पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, बहुत लोगों का सोचना था कि कहीं पिछले 10 साल में भारत की प्रगति, भारत की शक्ति जो है वो बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं दूसरे देश को लगा होगा कि हमें दबाव डालना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, उन पे एक किस्म से डोमिनेशन करना चाहिए. हो सकता है, मैं क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर तो कोई दे नहीं सकता, वही दे सकते. अब मैं आपके एक पुराने वादे पर आऊँगा. आपने मुझसे कहा था कि आप कोशिश करेंगे कि डिप्लोमेटिक आंसर थोड़ा कम देंगे. अब हम शुरू करने जा रहे हैं रैपिड फायर राउंड. पहले ज़ोरदार तालियाँ होंगी और इसमें मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा, वो ऑप्शंस में से आपको पिक करना होगा. ये इसकी जरूरत नहीं है सर, दिस इज द अदर. आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गिव योर आंसर फ्रॉम देयर. आइए, जोरदार तालियों से स्वागत करें जयशंकर सर का. आइए प्लीज सर. हर सवाल और हर जवाब पर मैं चाहूंगा कि आप अप्लॉड करें सर को. यहां पर सर पहला सवाल दिखाइए. जयशंकर जी हमारे साथ हैं यहां पर. ये देखिए, इस देश के विदेश मंत्री. और ये देखिए, बेहतर शैक्षणिक संस्थान कौन सा है, दिल्ली विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? सर इसका उत्तर तो आप साफ जानते हैं. आपकी चॉइस क्या है सर? सॉरी, आपका ऑप्शन क्या है इसमें से? भाई मैं पब्लिक के साथ जाता हूँ. नहीं, मुझे सचमुच ठीक है. ओके जोरदार तालियां हो, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट. नेक्स्ट सवाल दिखाइए जरा, नेक्स्ट सवाल दिखाइए.
बेहतर विदेश मंत्री कौन है, प्रणब दा, सुषमा जी या एस जयशंकर? देखिए, इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा ना, कभी कभी आपके बॉस भी होते हैं और आपके एक किस्म से टीचर भी हो सकते हैं, माने, और कभी कुछ पर्सनल इमोशनल कनेक्ट भी हो सकता है। मैं इनके प्रणब मुखर्जी जी के साथ भी मैं काम कर चुका हूँ, वो भी विदेश मंत्री थे उस समय पर। मुझे जो जब मैं फॉरेन मिनिस्टर के पद के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में सुषमा जी हैं, कोई और नहीं। अगला सवाल, बेहतर अर्थशास्त्री कौन, मनमोहन सिंह जी या निर्मला सीतारमन जी? वो भी जेएनयू के जी, वो भी जेएनयू के। नहीं, ऐसा है, देखिए इसमें ना सचमुच तुलना करना ठीक नहीं होगा। मैं आपको बताऊं क्यों। इनकी चुनौती जो थी, इनकी चुनौती थी कि उस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फेल, जो पुराने पॉलिसी जो थे वो नेहरू गांधी इराक के पॉलिसी फेल हो चुके थे, तो उनको जो है अपने सरकारों की पॉलिसी के खिलाफ कुछ चेंज लाना था। तो उनकी आप दुविधा, उनकी समस्या आप समझ सकते हैं। पर वो क्राइसिस जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की थी। जो बड़ी क्राइसिस निर्मला जी ने हैंडल की वो कोविड की थी, जो वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस कहला जाता है। क्योंकि आप हम कोविड को हम हेल्थ क्राइसिस के दृष्टि से देखते हैं, बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो मैं कहूँगा इसमें इनकी अलग अलग क्राइसिस थी। उस समय तो मैं बाहर था और मैं सरकार में भी मैं मिड लेवल ऑफिसर था। इसमें मैंने उनके कॉलीग होने के नाते मैंने खुद देखा है कितना प्रेशर था, कितनी माने जजमेंट थी इनकी। तो मैं तो इनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ओके सर, अब जरा एक सवाल है, जरा उसका जवाब देखिएगा, दिखाइए प्लेट ऑन। जरा सवाल यह है कि वैश्विक लोकप्रियता का क्रम, इन द ऑर्डर, पंडित नेहरू हैं, इंदिरा जी हैं, वाजपेयी जी हैं और मोदी जी हैं, इन द ऑर्डर सर, वैश्विक लोकप्रियता। पहले जोरदार तालियां हो सवाल की। हाँ, आप आंसर तो जानते हैं ना, आप आंसर जानते हैं, आपसे पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, तो मैं इनको निराश नहीं करूंगा, तो यहां से शुरू करते हैं। ओके। और मैं आपको इसका कारण भी बता। देखिए, जो भी है, हर प्रधानमंत्री की अपनी एक छवि होती है, अपनी प्रतिष्ठा होती है, और भारत के हैं माने बहुत बड़े नेता रह चुके। पर क्योंकि आपका सवाल है वैश्विक लोकप्रियता, मैं वैश्विक इसीलिए आप सबके ध्यान में ला रहा हूँ, क्योंकि कोविड के समय में करीब 100 देश थे दुनिया में जिनको मोदी जी के कारण वैक्सीन मिले। आज भी वो याद रखते हैं, अगर मोदी जी नहीं होते तो हमारा क्या होता। तो मैं सचमुच ये कहूँगा कि उनके बारे में जो भावनाएं जो मैंने खुद सुनी, लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं उनके बारे में। विदेशों में भी? हाँ, विदेशों में भी। हाँ, विदेशों में स्पेशली, कि आप कभी कभी देखेंगे, आप कहीं सर्च करिए यूट्यूब में, देखिए जब इंडिया वैक्सीन मैत्री का देखिए, पीपल एक्चुअली गेट इमोशनल दैट इफ मोदी जी हैड नॉट डन दिस। सी, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आप पिछले साल आप लोगों को याद होगा, प्राइम मिनिस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तो एक बीच में एक देश में रुके, पापुआ न्यू गिनी। वी वर सरप्राइज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी टच्ड हिज फीट। आई हैव नेवर सीन दैट हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज दैट फीलिंग इज दैट। ओके, सो फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी, सेकंड? नो, यू सी आफ्टर, फर्स्ट इज फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इज फर्स्ट। चलिए, जोरदार तालियां हो जाए। अब सवाल देखिए, भारत का, दिखाइए वो सवाल, भारत का दोस्त कौन है, जो बाइडेन या व्लादिमीर पुतिन? भारत का दोस्त जो है विश्व बंधु है। क्या बात, जोरदार तालियां। विश्व बंधु जो है, हम सबके दोस्त हैं, वो सब लोग हमारे दोस्त। वेल सेड, जोरदार तालियां। वेल सेड।
अगला सवाल दिखाइए जरा। अब ये सवाल सर आप बताइएगा, भारतीयों को छुट्टी के लिए कहाँ जाना चाहिए, मालदीव, श्रीलंका या नेपाल? भाई सच सच बताओ, आप देख रहे हैं ना, 1, 2, 3 There you go. यहाँ जाना चाहिए। There you go. यहाँ जाना चाहिए। जोरदार थालियां हो जाए। नेक्स्ट सवाल हमारा ये, इस रैपिड फायर का आखिरी सवाल है, दिखाइए जरा, जोरदार थालियां सवाल के लिए। बेहतर राजनेता कौन है? क्षमा कीजिए, ये खुद नहीं जानते, आप दूसरों से क्यों पूछ रहे? सो प्लीज आइए, ग्रेस पसोरीवाइट, जोरदार तालियां हो, जयशंकर जी ने जो जवाब दिया। सर अब सवाल मेरा जो है वो आपसे ये है कि इस इलेक्शन में और जिस तरीके से क्राइसिस हम देख रहे हैं, बार बार ये कहा जाता है कि पीओके को वापस लेंगे, पीओके को वापस लेंगे, पीओके वापस आएगा, होगा कैसे ये सर? देखिए आजकल आज बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अगर आप मेरे से पूछें मैं कह सकता हूँ कि लोगों के मन में यह भावना है, कुछ लोगों के मन में इरादा भी होगा, पर जो रास्ता जो है कभी मैंने साफ साफ पहले दिखाई देता है, कभी नहीं भी दिखाई देता, कभी उचित भी नहीं है डिस्कस करना। अगर आप मान लीजिए 5 साल पहले हम लोग बैठे होते यहाँ, अब आप मेरे से पूछते कि आप 370 धारा पे आपकी क्या सोच है, क्या करेंगे, मैं आपको क्या जवाब देता उस समय? तो समटाइम्स यू हैव टू वेट एंड सी व्हाट हैपेंस, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग टुडे, दैट इज वो तो आपको टीवी में दिखाई दे। लेकिन पाकिस्तान से बातचीत बंद है, क्या युद्ध ही रास्ता है या कुछ और भी ऑप्शन है? नहीं देखिए, युद्ध रास्ता नहीं है, युद्ध रास्ता किसी का भी होना नहीं चाहिए, युद्ध से कभी कुछ सेटल नहीं होता। जो जो प्रधानमंत्री का जो मानना है कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये खाली उस सिचुएशन में नहीं है। जेन्युइनली हम लोग सोचते हैं कि कोई भी चीज़ जो है माने युद्ध से कभी सोल्यूशन निकलता नहीं है। पाकिस्तान के साथ विषय जो है इतना मुश्किल भी नहीं है समझना, अगर लोगों में समझने की ताकत हो, और उसमें प्रॉब्लम है हमारी पॉलिटिक्स शुरू से। आप जानते हैं कि जब 1947 सितंबर में पहले पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान ने सिविलियन क्लोज में उनको कहते थे रेडर्स, ओके, रेडर्स भेजे, वो बारामूला आए, श्रीनगर तक पहुंच रहे थे। जब उनको रोका गया तो फिर कुछ रेडर्स जो हैं, कुछ सचमुच वो टेररिस्ट, आज हम उनको टेररिस्ट कहेंगे, कुछ लोग जो हैं आर्मी वाले थे जो मुफ्ती में थे, फिर आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी खुल के मैदान में आई। अब वहाँ से अगर आप देखें 47 की मैं बात कर रहा हूँ, फिर आप देखिए 65 में क्या किया उन्होंने, 65 में उन्होंने उस समय पहले रेडर्स कहते थे, फिर उसको इन्फिल्ट्रेटर्स कहने लगे, उन्होंने बहुत 5,000 लोग जो हैं कश्मीर भेजा टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस इन कश्मीर, ताकि देन पाकिस्तानी आर्मी कैन गो। तो ये इनकी बहुत पुरानी नीति है, ये शुरू से इनका मैं कहूँगा एक किस्म से स्वभाव है। और क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि इसमें कॉस्ट बहुत कम है, कि सफल हो तो भाई हो गया सब काम, असफल हो तो कहें यार वो मेरा काम नहीं था, पता नहीं कोई कर रहा था, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं। तो ये डबल गेम जो है इनका, हमने उसको खेलने दिया, ये हमारी गलती थी, और ये खेलते गए जब तक मुंबई तक सफल रहे। क्या कोई टेक्स है आपके पास ऐसे कि पीओके की जनता चाहती है भारत में आना? आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप टीवी देखिए ना, टीवी देखिए आपको, बट कोई बैक चैनल्स वगैरह से अप्रोच किया जा रहा है? तो मेरा कहना ये है कि हमें पाकिस्तान के साथ पहले विषय जो है, जो मूल विषय जो है, ये है कि दो पड़ोसियों के बीच में विषय हो सकती हैं, विवाद भी हो सकता है, पर
हमें कभी भी आतंकवाद मंजूर नहीं करना चाहिए और आतंकवाद के दबाव में आकर नेगोशिएट कभी नहीं करना चाहिए। और ये मैसेज उनको बहुत क्लियर जाना चाहिए और ये मोदी सरकार की शुरू से कोशिश रही है, शुरू से सोच रही है। अंडरस्टूड सर, पीओके पर आपके सवाल, आप जो पूछा जा रहे थे। बार बार होता है कि पीओके को वापस लेंगे, पीओके को वापस लेंगे, किसी ने रोका है क्या? कोई रुकावट है, कोई बाधा है? 10 साल हो गया आपकी सरकार बने हुए और लगातार आप लोग यही बात करते थे, अमित शाह जी बार बार बोलते हैं कि साहब पीओके को वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे, लेकिन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या वजह क्या है? देखिए ऐसा है, हर चीज़ की अपनी टाइमिंग होती है, तैयारी होती है, उसके लिए प्रिपरेशन भी। अगर दुनिया में आपको कोई बड़ा मूव बिना तैयारी के करनी है तो आप जानते हैं उसका खतरा क्या हो सकता है। तो मैं पीओके की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली कुछ भी बड़ा निर्णय लेना होता है, अब जैसे अटल जी ने न्यूक्लियर वेपन का निर्णय लिया, तो पहले की सरकार ले सकती थी, उन्होंने लिया नहीं, अटल जी ने लिया, पर अटल जी ने बहुत सोच समझ के लिया, उसकी तैयारी की। तो ये नहीं है कि आप देखिए, आप तो पीओके की बात कर रहे हैं अभी, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल ऑपोजिशन 370 के बारे में कितनी थी। लोगों ने आज आपको लग रहा कि 370 का काम इतनी आसानी से हो गया, कश्मीर में शांति आ गई, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे थोड़ी आए। इसके लिए आपको क्या लगता कि हमने मेहनत नहीं की, तैयारी नहीं की, कोशिश नहीं की? तो हमारा फोकस जो था पहले, हम कम से कम 370 को, माने वो उस विषय को आगे ले जाएं, कश्मीर में हम डेवलपमेंट दिखाएं, कश्मीर वैली में दिखाएं, और एक बार हमें पूरा विश्वास है कि एक जब लोगों को लगता है कि देखिए ये मॉडल का एक, माने ये डेवलपमेंट का एक मॉडल है, उसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होगा, वही इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। सर अब जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये आज का शायद इस शो का सबसे बड़ा सवाल है और सब लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं। बीजेपी का एक चुनावी विज्ञापन है जिसमें दावा किया जा रहा है कि, वैसे क्या दावा किया जा रहा है ये सीधे देख ही लेते हैं, प्लेट ऑन जरा। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी थी यूक्रेन में? हाँ। कैसे? उन्होंने दो बार वॉर रुकवाई, एक बार मैं आपको डेट भी दे सकता हूँ, मेरे ख्याल से मार्च 5 था, ये खार्किव नाम की जगह है, वहाँ वो आर्टिलरी की फायरिंग हो रही थी और हमारे जो विद्यार्थी जो हैं उनको बताया गया कि शहर छोड़ के आप बाहर एक सेफ जोन में चले जाइए। वो जैसे जिस दिन उनको जाना था, कहीं वो रशियन फोर्सेस के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो वो उस जोन पे फायरिंग करने लग गए। और फिर उस दिन क्योंकि ये लोग चल पड़े थे, उनको हमने रुकवा लिया रास्ते में, और फिर प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की और कहा कि देखिए आपके साथ ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको यहाँ फायरिंग नहीं करना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं आपसे डायरेक्टली अपील करता हूँ कि आप इसको रोकिए। तो ये पहली घटना थी, ये मार्च 5 जो मुझे डेट जो याद है। दूसरी घटना जो थी 3 दिन बाद थी, वो और भी मुश्किल था कि ये जगह का नाम सुमी था, ये थोड़ा खार्किव से उत्तर में है, और वहाँ जो थे, क्योंकि वहाँ के बच्चे देख रहे थे कि बाकी जगह से लोग निकल चुके थे, तो उनकी टेंशन ज़्यादा हो गई थी। तो क्या हुआ कि जिस दिन खार्किव से निकले, अगले दिन हमने उनको कहा कि आप लोग निकल सकते हो, हमने बस भिजवाया उनको। जब वो बस में बैठने की वो शुरू हुआ तो फायरिंग फिर से स्टार्ट हो गई, तो वो घबरा गए सुमी में, तो वो बस छोड़ के वापस हॉस्टल में गए। फिर जब, क्योंकि हमारी रोज़ बात होती थी दिन में 4-5 बार, क्योंकि उनका हौसला भी, हमें मनोबल ऊपर रखना था, तो फिर हमने उनको कहा कि नहीं नहीं हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे आप लोगों को निकालने के, हम पे भरोसा करिए, डेफिनेटली फिर से तैयारी होगी, इस बार ज़रूर हम डिलीवर करेंगे। तो उनके मन में था कि, क्योंकि उनका एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस हो चुका था, तो वो बिल्कुल थोड़ा कॉन्फिडेंस उनमें कम था,
तो हम लोगों ने जो है यहाँ से भारत से जो जो हमारी टीम जो बात कर रही थी उनमें से दो सीनियर ऑफिसर जो हैं हमने उनको तुरंत उसी दिन प्लेन में बिठवा के सुमी तक भेजा ताकि उनको लगे कि अगर दिल्ली से कोई सुमी तक पहुंच सकता है तो सुमी के लोग भी बाहर निकल सकते हैं। परंतु तब भी रास्ता जो है क्योंकि वो थोड़ा सा पहाड़ी टाइप इलाका था इतना आसान नहीं था निकालने में, तो हमें पूरे रोड की गारंटी चाहिए थी कि उस रोड पे कोई फायरिंग नहीं होगी। तो हम लोगों ने हम फिर से पीएम के पास गए, पीएम ने फिर पुतिन प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनसे भी बात की, फिर उनसे आश्वासन लिया कि दोनों जो हैं ऑर्डर देंगे कि वो एक रूट आपस में एक तय करेंगे कि ये रूट जो है ये सेफ रूट डिक्लेयर किया जाएगा, इस पर कोई फायरिंग नहीं होगी, फिर जो इसका जो फॉलोअप जो है हम लोगों ने किया। तो मैं जो ये जो है इसका तो मैं खुद साक्षी सर। लेकिन दो थ्योरीज हैं, दो नैरेटिव्स हैं, एक सेफ पैसेज दिया गया और एक कि वॉर रुकवा दिया गया, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए वॉर रुकवा दिया उसके बिना सेफ पैसेज कैसे होता कि टिल प्रीवियस नाइट फायरिंग हो रही थी। अगर पीएम उनसे आश्वासन नहीं लेते और उसका हम फॉलोअप नहीं करते, वही जो पहले वाले दिन में हुआ कि फायरिंग माने वो तो अपना फायरिंग करते जा रहे थे, उनको हमारे स्टूडेंट्स के बारे में कोई परवाह तो थी नहीं। तो उन्होंने जो है मैं कहूँगा करीब आधे दिन के लिए, जब तक हमारे स्टूडेंट आधे दिन से थोड़ा ज़्यादा था हो सकता है, उस दिन जिस दिन मार्च 8 जो मुझे याद है, एक दो दिन का डिफरेंस हो सकता है, मार्च 8 का जो है उस दिन उस रास्ते पे उस इलाके में कोई फायरिंग नहीं हुई जब तक हमारे लोग निकले। हमारे लोग निकलने के बाद फायरिंग शुरू हो गई उसके बाद सर। लेकिन 3 मार्च 2022 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची जी से यह सवाल पूछा गया और मैं कोट करता हूं उनका जवाब, वी गॉट स्पेसिफिक इनपुट्स दैट लुक सॉरी आपने डेट क्या बताया 3 मार्च 2022। तो मैं जो है घटने की बात कर रहा हूँ 1-5 मार्च इन खारकिव एंड 1-8 मार्च इन सुमी। ओके सो अरिंदम बागची कुड नॉट हैव सेड समथिंग अबाउट खारकिव एंड सुमी। ओके लेकिन 3 मार्च को जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा, मैं पूरा लंबा कोटेशन है लेकिन मैं उसको कंसाइज में करता हूँ, बट आई एम हैप्पी दैट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल कुड कम आउट एक्सट्रापोलेटिंग दैट टू से दैट समबडी इज होल्डिंग अप बॉम्बिंग और दिस इज समथिंग वी आर कोऑर्डिनेटिंग, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली इनएक्यूरेट। भाई वो 3 मार्च को कह रहे हैं ना। अच्छा आप कह रहे हैं कि 5 मार्च को हुआ। देखिए 3 मार्च तक ऐसी कोई सिचुएशन ना तो जरूरत थी ना कोई ऐसी परिस्थिति थी। 3 मार्च को ये था, 5 मार्च को खारकिव में पहली घटना हुई, 8 मार्च को सुमी में दूसरी घटना हुई। और सुमी में ये देखिए जब आपका सवाल और ठीक सवाल, अब जब वॉर की बात कर रहे हैं, टिल द मॉर्निंग व्हेन आवर चिल्ड्रन बोर्डेड द बस दे वर रिपोर्टिंग फायरिंग, वी कुड हियर फायरिंग क्योंकि वो फोन पे यू कुड गेट बैक, आई मीन इट इज नॉट मनीष वाज रिपोर्टिंग दैट आल्सो, इट वाज सीरियस फायरिंग। मैं सर बेलगोरोद के गवर्नर से मिला था, कोई स्टूडेंट्स तो आप उस साइड में थे जी, और उन्होंने बताया कि क्या किस तरह से की मदद। तो माने उस रात जिस सुबह जब निकले उस रात तक फायरिंग हो रही थी, वो निकले निकलने के समय में क्योंकि ये सब तय हो चुका था फायरिंग नहीं हुई, जब वो निकल चुके थे फायरिंग वापस शुरू हो गई। तो ये अगर ये वॉर नहीं रुकवाना तो और क्या। मैं इसका पॉलिटिकल जो इसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, प्ले इट ऑन प्लीज। पुतिन से लेके यूक्रेन वाले उनके चेहरे पे देखते रहते हैं कि हमें बताएं, हमें समझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, और वो उनका मार्गदर्शन करते हैं, शायद इसीलिए आज तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध भी रुकवा दिया। थोड़ा मैं यूक्रेन के बारे में आप सब लोगों को समझाना जरूर चाहता हूँ और उसमें मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, तो मैं कुछ चीज़ आपको बता सकता हूँ, कुछ चीज़ नहीं बता सकता। आप जानते हैं कि एक समय था जहाँ इस युद्ध में लोग न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे थे कि वहाँ के कुछ नेता जो थे या कुछ जो सरकार में जो जिनकी जिम्मेदारी थी वो जो है न्यूक्लियर वेपन्स की बात करने लग गए। तो इसमें पूरी दुनिया को चिंता थी, दुनिया को चिंता थी कि ये युद्ध जो है
न्यूक्लियर दिशा में जानी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार वहाँ चले जाए तो उसका उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे देश जो हैं ये चिंतित थे, तो उन्होंने भी हमको अप्रोच किया और कहा कि अगर आप जो हैं सलाह दे सकते हैं, आपके सलाह, क्योंकि मोदी जी जो हैं अगर कुछ कहते हैं तो लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये मोटा मोटा जो कंगना जी ने कहा, माने उन शब्दों में नहीं, पर यही माने मैसेज जो है, अगर आप देखेंगे यूएस के स्पोक्समैन ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि हम बहुत सारे देश जो हैं हम मिलजुल के हमने ये न्यूक्लियर यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की दिशा जो जिस तरफ जा रही थी इसको हमने ठंडा किया। तो ये इसमें कुछ है, there's something to it. ठीक है, so thank you very much. जोरदार तालियों से सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला, thank you very much sir.